हेलो एवरीवन वेलकम टू एजुकेटर्स प्लस माय नेम इज बसराज शेख और आज की वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फ्रॉम योर एन टी एन एच जी आर एफ पेपर फर्स्ट यूनिट नाइन्थ पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट सो एनवायरनमेंट यूनिट में देर इज अ टॉपिक ओजोन डिप्लूशन सो इट इज अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक बिकॉज इसमें से प्रीवियस ईयर में से क्वेश्चन आते रहे है सो हेन्स वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ओन लेर ओज ओन डिप्लीशन वॉट इज ओज ओन एंड एवरी आस्पेक्ट कवरिंग दिस टॉपिक एंड आई होप इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग दिस टॉपिक एंड यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन सो यस बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट एजुकेटर्स प्लस की गूगल प्ले पे एप भी है सो इफ यू वॉन्ट यू कैन डाउनलोड द एप एंड यू नो उधर आपको कोर्सेस मिलेंगे वीडियो एंड लाइव सेशन होंगे ई बुक्स अवेलेबल है सारे टॉपिक्स की एंड दैट टू बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जो एकदम सेम एन टी ए के रेप्लिका एन टी ए सीबीटी मोड पैटर्न पे है एंड कम्पलीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइडेड है दैट इज बेस्ड ऑन योर न्यू पैटर्न लाइव इंटरक्टिव सेशन हैिप्शन बॉक्स को चेक आउट कर सकते हैं सो नाउ स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज ओजोन डिप्लीशन सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि ओजोन डिप्लीशन क्या होता है आपको ये समझना चाहिए कि ओजोन क्या होता है सो बेसिकली ओजोन एक नेचुरल गैस होती है और इसे आप कह सकते हैं कि एक एलोट्रॉप है ऑक्सीजन का जो कंजेस्ट करता है तीन एटम्स को ऑक्सीजन के ठीक है ना जो दीज थ्री एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं दीज आर बाउंड टूगेदर इन अ नॉन लीनियर फैशन एंड इट इज अल्मीजन विद केमिकल फॉर्मूला ओ थ्री सो बेसिकली जो हम लोग ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं दैट इज वी आर टॉकउन द्री अपार्ट फ्रॉम दैट जो ओजोन होती है ना ये दो लेर्स में प्रेजेंट होती है पहली तो होती है ट्रोपोस्फेयर में और दूसरी होती है स्ट्रेटोस्फेयर में ठीक है ओजोन जो ट्रोपोस्फेयर में होता है दैट इज बैड एंड इट इज कंसिडर्ड एज बैड ओजोन क्यों बिकॉज it you know, dirties the air or, and it helps to form smog. not good when it comes to the breathing activity, so smog is not good to breathe. hence ozone in the stratosphere apart from this is a good uh, because uh, it protects the earth by absorbing the ultraviolet radiations that are harmful in nature. सो बेसिकली ज्यादातर जो ओजोन होता है वो रिसाइड करता है हाई अप इन दटमोस्फेयर बिटवीन टेन टू फोर्टी किलोमीटर अब दर्थ सर्फेस और ये जो रीजन होता है इसको कहा जाता है स्टार्टोस्फेयर एंड इट कंटेन्स अबाउट नाइंटी परसेंट ऑफ ऑल द ओजोन इन द एटमोसफेयर वेन वी टॉक अबाउट की ओजोन इज फाउंड इन टू लियर्स दैट इज प्रोपोस्फेयर एंड स्टेटोस्फेयर सो दन जो स्टार्टोस्फेयर में फाउंड होता है दैट इज अ गुड ओजोन और जो ट्रोपोस्फेयर में फाउंड होता है दैट इज अ बैड ओजोन वाई लेट्स डिस्कस देखिए, जब ओजोन अकर करता है इन द अर्थ अपर एटमोसफेयर दैट इज स्ट्राटेयर जहां ये फॉर्म करता है एक प्रोटेक्टिव लेयर सो ये जो लेयर होती है ये शील्ड करती है फ्रॉम द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फर्दर अगर हम बात करें टोप्रोस्फेयर तो में जो ओजोन प्रेजेंट होती है तो उसको बैड ओजोन कहा जाता है बिकॉज दिस ओजोन इज फॉम्ड वेनो पॉल्यूटेंड बाई कार्स या फिर पावर प्लांट इंडस्ट्रियल ब्रॉयर्स रिफाइनरीजिकल केमिकल प्लांट एंड अदर सोर्सेज देन दीज बेसिकली रियाक्ट केमिकल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड फॉर्म द ओजोन सो ये जो सरफेस लेवल ओजोन होती है ये हार्मुल एयर पॉलिटेट की तरह एक्ट करती है सो दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड एज bad ozone and it also you know dirties the air and it helps to form smog or just smog hota hai, that is not good to breathe on the part of human beings so yes that's why this ozone is considered as a bad ozone so because it is present at the surface level further uh, another important uh, information is that you should know that september 16th is observed as world ozone day सो देखिए वर्ल्ड ओजोन डे वॉज प्रोक्लेम्ड बाय द यूनाइटेड नेशन एज द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर और वर्ल्ड ओजोन डे को 16 सितंबर को इसलिए भी ऑब्जर्व किया जाता है बिकॉज इट इज द डे दैट मार्क्स द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वॉज साइन ऑन सिक्सटीन सेप्टेम्बर नाइनटीन एटी सेवन सो देअ फोर इट वॉज साइन टू कंट्रोल द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांसिस और ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल थी ये साइन ही इसीलिए की गई थी बिकॉज इट सीक्स टू कंट्रोल द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंसेज हिन्स सेप्टेम्बर इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड ओजोन डे नो फर्दर आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट जो ओजोन होल होता है वो पहली बार डिस्कवर किया गया था ओवर अंटार्क्टिका बाय द ब्रिटिश अंटार्क्टिक सर्वे इन 1983 सो लेवल्स ऑफ ओजोन आर ड्रॉपिंग वेरी फास्ट जिसकी वजह से ओजोन uh, के बहुत सारे पार्ट्स में ओजोन लेयर के बहुत सारे पार्ट्स में जो लेयर uh, है दैट इज बिकमिंग थिन और होल्स क्रिएट हो रहे हैं सो दीज सो दीज होल्स आर टर्मड ओजोन होल्स जो पहली बार डिस्कवर्ड हुए थे वो अंटार्टिक है नाइनटीन एंड फर्दर इट वॉज इन नाइनटीन मोलिना एंड चरव रोलैंड ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया उन लोगों ने डिस्कवर किया था कि ऐसा ग्रुप है सिंथेटिक केमिकल सब्सटेंसेस का जिन्हें कहा जाता है क्लोरो एंड हाइड्रोक्लोरोलोरोबन जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ओजोन इन दर एंड दीज केमिकल्स आर इनर्ट नॉन इन्फ्लेमेबल नॉन टॉक्सिक एंड इवन लाइटर देन एयर सो बेसिकली इन प्रोपर्टीज की वजह से दे कैन रिमेन इन फॉर इयर इन द एटमोसफियर अपार्ट फ्रॉम दैट अगर पूछा जाए कि यूनिट क्या होता है फॉर ओजोन थिकनेस फॉर द मेजरमेंट सो बेसिकली इट्स डॉपन यूनिट सो थिकनेस जो ओजोन की होती है इन अ कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द एटमोसफियर इज मेजर्ड इन डॉपसन यूनिट्स एंड वेन द ओजोन थिकनेस बिकम्स लेस देन टू ट्वेंटी डॉपसन यूनिट्स तब उसे कंसिडर किया जाता है कि वो ओजोन लेअर धिन हो गई है या फिर उसमें इवन होल हो चुका है सो दाउ वी कंसिडर्ड द यूनिट ऑफ ओजोन थिकनेस सो टाउ वीव डिस्कस अबाउट द ओजोन एंड इट्स इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट अब हम बात करेंगे की ओजोन लेअर डिप्लिशन क्या होता है देखिये सो बेसिकली ओजोन लेयर डिप्लूशन इज रिफर्ड टू द थिंग ऑफ द प्रोटेक्टिव ओजोन लेअर जो एटमोसफेयर में प्रेजेंट होती है राइट right? Now, ये क्यों होता है ये इसलिए होता है क्योंकि सर्टेन केमिकल्स जो होते हैं वो कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं विद ओजोन जिसकी वजह से वो ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं अब ये जो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं इन कंपाउंड्स को कहा जाता है ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांसिस इन शॉर्ट ओडीएस अब इन ओडीएस के क्या एग्जाम्पल्स हैं दीज आर सी एफ सीज क्लोरो देन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स देन कार्बन कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल टेट्राक्लोरा क्लोरो हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार हेलोस अपार्ट फ्रॉम दीज समलो फर्दर लेट्स डिस्कस की ऐसे कौन कौन से कॉजेस होते हैं जिसकी वजह से ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है सो कॉजेस यू नो बिकॉज ऑफ द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटांसेज अब ये सबस्टांसेस कौन कौन से है वी डिस्कस दम इन डिटेल सो फर्स्ट एज आई डिस्कस क्लोरोफ्लोरोबंस सो सी एफ सीज जो होते हैं वो मेन कॉज होते हैं बिहाइंड दियर डिप्लूशन एंड ये जो सी एफ सी होते हैं ये रिलीज होते हैं बाय स्प्रे एरोसॉल्स रेफ्रिजरेटर्स एयर कंडीशनर्स एक्सेट्रा सो जो मॉलिक्यूल होता है क्लोरो फ्लोरो कार्बन का वो स्टार्टअर में ब्रोक डाउन हो जाता है बाय द अल्ट्रावाट रेडियलोड सो दीज एटम्स बेसिकली रिएक्ट विद ओजोन एंड देन डिस्ट्रॉय इट फर्दर वी डिस्कस अबाउट अनरेगुलेटेड रॉकेट लॉन्चेस सो रिसर्च सेट की जो अनरेग्युलेटेड लॉन्चिंग होती है रॉकेट की इसकी वजह से इट रिजल्ट इन मच मोर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर देन दी एफ सीज डू And if not controlled, this might result in a huge loss of the ozone layer by the year 2050. Further, when we talk about nitrogen compounds, so nitrogenous compounds like NO2HUA, uh, no2hua nitrous oxide, N2OHUA, these are highly responsible uh, for the depletion of ozone layer. Further, talking about carbon tetrachloride, so this uh, chemical hai, release released from fire extinguishers and other solvents. वेन वी टॉक अबाउट मिथाइल ये रिलीज होता है सो इसका जो मेन सोर्स है दीज आर एवस एंड एरोसॉल्स। फर्दर हाइड्रोफ्लोरो की बात करें सो दीज आर ऑल्सो रिलीज बाय फायर एक्सटिंग्यूशर्स, एयर कंडीशनर्स सोलवेंट्स आर अनदर सोर्सेस ऑफ हाइड्रोफ्लूरोबन सो दीज आर समर्सेस ऑफ ओजोन लेअर डिप्लिशन नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट की जो इफेक्ट क्या होते हैं अगर ओजोन लेअर डिप्लीट होती है सो देखिए डिफरेंट चीजों पे ओजोन लेयर का डिफरेंट इफेक्ट होता है सो व्हेन वी टॉक अबाउट इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन ऑन ह्यूमन एंड एनिमल्स हेल्थ सो बेसिकली जब ओजोन लेयर डिप्लीट होती है तो यूवी रेडिएशन ज्यादा इंक्रीज हो जाती है वो अर्थ सर्फेस को ज्यादा अमाउंट पे रीच करती है एंड वेन दीज रीच सो ये कॉज कर सकती है आई डिजीजेस इवन स्किन कैंसर और इन अदर इन्फेक्शस डिजीजेस टू ह्यूमन एज वेल एज टू एनिमल्स फर द यू वी रेडिएशंस ऐसा एक्सपेरिमेंट्स में रिजल्ट में आया है कि ये डैमेज करती हैं द कॉर्निया एंड इवन द लेंस ऑफ द आई सो लेयर इज डिप्लीटेड ह्यूमंस जो होते हैं वो डायरेक्टली एक्सपोज हो जाते हैं ट्रू द हार्मफुल यू वी रेडिएशन एंड जिसकी वजह से यू नो इट माइट रिजल्ट इन हेल्थ इश्यूज अमंगस जैसे स्किन डिजीजे कैंसर सनबर्न कैटरैक्ट क्विक एजिंग एंड इवन अ वीक इम्यून सिस्टम एंड दैट टू गोज विद एनिमल्स ऑल्सो एनिमल्स की बात करें तो so तब भी अगर एनिमल भी डायरेक्ट एक्सपोजर में आ जाते हैं अल्ट्रावाट रेडिएशन के सो so उनको भी स्किन कैंसर एंड इवन आई कैंसर हो सकता है अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें इफेक्ट ऑन टेरिस्ट्रियल प्लाट्स सो बेसिकली साइकोलॉजिकली एंड इवन द डेवलपमेंटल प्रोसेसिस ऑफ प्लांट आर इफेक्टेड बाय द अल्ट्रावाट रेडियशंस जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो भी इफेक्ट करता है देरफोर इट ऑल्सो हेम्पर्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट सो येस Indirectly, it do indirectly or directly it do hampers the growth of plants and uh, has a major impact on the uh, plants growth. So when we talk about effects on aquatic ecosystem, so the planktons which you know uh, they are present in the aquatic ecosystem, who greatly affect because of this exposure to the harmful ultraviolet radiations. Or when these are you know एफेक्टेड सो ये हायर नंबर में होते हैं इन द एक्वेटिक फूड चेन सो इफ द प्लैंगन द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द फूडो इफेक्टेड अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सपोजर टू सोलर यूवी रेडिएशन हैजीन शोन टू एफेक्ट बोथ ओरियंटेशन मेकेनिजम्स एंड ऑल्सो द मोटेलिटी इन फाइटो प्लान रिजल्टिंग इन रिड्यूज सर्वाइवल रेट ऑफ दिज ऑर्गेनिजम इन द वॉटर अपार्ट फ्रॉम दैट सोलर रेडिएशन डैमेज uh, कॉज करती हैं जब अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं ऑफ फिशेस, श्रेम क्रैप एम्फीबियंस एंड अदर एनिमल्स सो इसका जो सबसे ज्यादा सीवियर इफेक्ट होता है दैट इज दैट दे डिक्रीज द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड आल्सो इम्पेयर लार्वल डेवलपमेंट सो फर्दर अगर हम बात करें इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन ऑन एयर क्वालिटी देखिए वेन देयर इज रिडक्शन इन द स्टाटोस्फेरिक ओजोन एंड यू नो इंक्रीज इन अल्ट्रा रेडिएशंस दीज रेडियनिट्रेट टू द लोअर एटमोसफेयर जिसकी वजह से तो रिजल्ट इन द हायर फोटो डिसोसिएशन रेट एंड देयर फॉर दीज गैसे क्या होता है इंक्रीज हो जाता है बोथ इवन इन द प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन एंड ये बेसिकली रिलेटेड होते हैं ऑक्सीडेंट सच हाइड्रोजन पर ऑक्साइड्स जो जाने जाते हैं बिकॉज दे डू हेव अ एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ

सो देखिए कुछ हैं जो हेल्प करती हैं इवन इन द मॉनिटरिंग ऑफ द एटमोसफेयर एंड ऑल्सो दे फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ एंड कम्युनिकेशन अबाउट द एटमोस्फेयर इंक्लूडिंग ओजोन लेयर मॉनिटरिंग एंड दीज ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड मेटोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देन वी हैव वर्ल्ड वेदर वॉच एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंटीग्रेटेड ग्लोबल ओशन सर्विसेस सिस्टम एंड

कार्गोशिप होती हैं दैट मस्ट नॉट यूज फ्यूल जो सल्फर कंटेंट को रिलीज करती हैं हायर देन जीरो पॉइंट फाइव परसेंट इन दर और इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी से अपार्ट फ्रॉम दैट देन कम्स the एन ए कन्वेंशन सो जो वीएनए कन्वेंशन थी वो साइन uh, की गई थी इन नाइनटीन एटी फाइव फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लेयर एंड अंडर दिस मेंबर कंट्रीज जो थी उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था जो इम्पोर्टेंस होती है फॉर द करबिंग टू द डेमेज टू दियर एंड एज पर दिएवेंशन प्रोविजन जो मेंबर स्टेट थे या जो कंट्रीज थे जिन्होंने वीएन ए कन्वेंशन को साइन किया दे ऑल्सो अग्रीड टू अडोप्ट द मॉन्ट्रिल प्रोटोकॉल यू नो मोन्ट्रिल प्रोटोकॉल टू फर्दर दोल ऑफ द वीएन कन्वेंशन सो जो मॉन्ट्रुअल प्रोटोकॉल था वो नाइनटीन एटी सेवन में साइन किया गया था एंड इट एंटर्ड इन टू फोर्स इन जनवरी नाइनटीन एटी नाइन सो so बेसिकली ये जो प्रोटोकॉल था इट गिवस यू नो प्रोविजन जिसकी वजह से वी कैन रिड्यूज द प्रोडक्शन एंड इवन द कंजम्पशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांसिस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर ना फर्दर वी टॉक अबाउट की ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए क्या सोल्यूशन होने चाहिए अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज इनिशियेटिव देखिए सो so ओजोन लेयर डिप्लीशन एक सीरियस इश्यू है जो वेरियस प्रोग्राम्स इसके लिए लॉन्च किए गए हैं बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ वेरियस कंट्रीज टू प्रिवेंट इट However, you know, steps should be taken at the individual level also to prevent the depletion of ozone layer. So, following are some points that would help in preventing this problem at a global level. So, first is avoid using ODS, that is ozone depleting substances. So, uh, you know, reduce the use of ozone depleting substances. Example avoid the use of chlorofluorocarbons in refrigerators and air conditions, and, re and also replacing the halon based fire extinguishers. फर्दर मिनिमाइज द यूज ऑफ व्हीकल्स ये जो व्हीकल्स बेसिकली व्हीकल इमेट लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है एंड इट आल्सो रिजल्ट इन द ओजोन डिप्लीस दियरफोर द यूज ऑफ व्हीकल शुड बी मिनिमाइज एज मच एस पॉसिबल एट इंडिविजुअल लेवल अपार्ट फ्रॉम दैट यूज ऑफ इको फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट सो बेसिकली होता क्या है जो ज्यादातर क्लीनिंग प्रोडक्ट होते हैं देव क्लोरिन एंडिंग केमिकल्स दैट फाइंड अ वे इन टू द एटमोसफेयर एंड एफेक्ट दर सो यू नो दीज शुड भी सब्सिट्यूटेड विद ने टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट देन ऑल्सो यूज ऑफ नाइट्रोस ऑक्साइड शुड भी प्रोहिबिटेड बिकॉज द गवर्नमेंट सो फर्दर द गवर्नमेंट शुड टेक एक्शंस एंड प्रोहिबिट द यूज ऑफ हार्मुल नाइट्रोस ऑक्साइड बिकॉज इट एडवर्सली इफेक्ट लेर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लोगों को यू नो अवेयर करना चाहिए अबाउट द हार्मुल इफेक्ट जो नाइट्रोस ऑक्साइड के होते हैं एंड द प्रोडक्ट सो दैट यू नो पीपल शुड स्टार्ट मिनीमाइजिंग द यूज ऑफ दीज प्रोडक्ट सो नाउ लेट डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चन दैट हैज बीन आज इन यूर एग्जामिनेशन सो दर्स्ट क्वेश्चन इज दैट वॉट वॉज मॉन्टर प्रोटोकॉल कंसर्न So you have the following options, and the correct answer is option A, that is, check in ozone layer depletion. So basically, Montreal Protocol's main agenda was because it was, uh, you know, created so that it could uh, keep a check on ozone layer depletion, and uh, and basically, Montreal Protocol was signed to, you know, keep control on the substances that deplete the ozone layer. So hence, uh, option A is the correct answer.

इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वॉज द वन जो 1987 में आई थी इन ऑर्डर टू यू नो कंट्रोल द यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटांसेज एंड टू रिड्यूस द यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटांसेज सो हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सो आप देख रहे हैं एक ही पॉइंट को कैसे दो क्वेश्चन में अलग अलग लैंग्वेजेस में फ्रेम करके दिया गया है सो so हेंस आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है सो नो मैटर व्हाट क्वेश्चन की क्या लैंग्वेज होती है क्वेश्चन को किस फॉर्मेट में फ्रेम करा जा रहा है यू विल बी एबल टू आंसर द करेक्ट हेंस यू शुड यू नो कीप योर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वेरी क्लियर सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओजोन लियर डिप्लीशन सो इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जो ओजोन डिप्लीशन का कॉन्सिक्वेंसिस नहीं है सो so हेंस इन दीज ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज टाइट्स सो ओजोन लेयर का ऐसा कोई टाइट्स के साथ नहीं है हाँ ऑप्शन ए अगर एक ऑप्शन uh, की बात करें तो इट ऑबियसलीज करेक्ट क्योंकि ओजोन लेयर की डिप्लेशन की वजह से अल्ट्रा वॉलेट रेज इंक्रीज होती है स्किन uh, कैंसर होता है साइनो बैक्टेरिया रेडियशन सो बेसिकली दे कैन ऑल्सो एफेक्ट इट्स इंक्रीज सो हिन्स एबीसी आर द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ ओजोन लेअर डिप्लूशन बट टाइट्स से नहीं सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर सो टाइट्स इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओजोन लेर डिप्लूशन सो वाई यूपी रेडिएशन इज हायर इन समर सो यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बिकॉज द सन इज क्लोजर टू प्लान अर्थ सो जो अल्ट्रावलेट रेस होते हैं दे हैव शॉर्टर डिस्टेंस टू ट्रेवल एंड टू रीच एस क्योंकि सन जो होता है अर्थस के पास होता है ड्यूरिंग द समर सो यून इट कैन कॉज द रेडिएशन टू रीच फास्टर एंड दस कॉज मोर हीट एंड अल्ट्रा वोलेट्रीज नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्पेयर ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन इज फाउंड सो दिस इज नाइस क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज स्टार्ट सो ओजोन लेअर डिप्लिशन

Uh, is a chlorofluorocarbon CFCs and its sources ACs and refrigerators. Then the next question is which of the following is a prime health risk associated with greater UV radiations through the atmosphere due to the depletion of ozone layer? So in may say con C so you have the following options and is the correct answer is that is option C as we have discussed. So so as we have discussed earlier ओजोन लेयर डिप्लीशन बेसिकली कॉज डायरेक्ट एक्शन ऑफ द अल्ट्रावाट रेज एंड इट कैन कॉज स्किन डिजीजेस विच कैन रिजल्ट इन टू स्किन कैंसर ऑल्सो सो जब ओजोन लेयर डिप्लीट होती है सो यू वी रेडिएशन का जो मेजर रिस्क होता है हेल्थ पे दैट इज ऑन ये फर्स्ट इज ऑन आई एंड द सेकेंड इज ऑन द स्किन कैंसर सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दैट इज इंक्रीज रिस्क ऑफ स्किन कैंसर So, yes, this was all for today's video. I hope you find this video helpful. Then, please do like, share, and comment.